ज्योतिका ने बताया रुबीना को बाहर का मंजर, क्या है पूरी खबर चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो दिस इज लीसा गंगवानी। भाई ज्योतिका दिलैक जो बाहर से आ रही है वो रुबीना को मिल रहे बेशुमार प्यार को भी देखकर आ रही है, तो उनकी परफॉर्मेंस को भी कहीं ना कहीं देखती हुई आ रही है, जिसके बाद उन्होंने उनको समझाया कि अगर राखी ने अपना एंटरटेनमेंट इस तरीके का कर लिया था तो आपको उसी समय समझदार होकर या तो उनसे कट ऑफ कर लेना चाहिए था, उनको ध्यान ही देना चाहिए था, या फिर उनको समझाना चाहिए था। अगर वो बहक रही हैं तो आप उनके साथ क्यों बहक रहे हो, आप समझदारी से एक्ट करते ना। तो यहाँ पे जो है ज्योतिका रुबीना को काफी अच्छे से समझा रही है कि अगर राखी के साथ ऐसी कोई इश्यूज हो भी रहे थे तो इस समय आप समझदार बन जाते, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं समझ रही हैं तो आप तो समझ रहे थे, आप उस तरह से एक्ट करते कि ये सिचुएशन इतनी ना बिगड़ती। क्योंकि बाहर जो है काफी इसका बड़ा मुद्दा बन गया, काफी बड़ा मसला बन गया, काफी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये चीज आपको भी अफेक्ट कर रही है, उनको तो अफेक्ट कर ही रही है, पता नहीं कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। तो जो चीज खुद को अफेक्ट कर रही हो उसको वहीं पर जो है आपको कट कर देना चाहिए। ऐसे में ज्योतिका दिलैक काफी कुछ अच्छे से समझाती हुई नजर आ रही है रुबीना दिलैक को। अब उनको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं समझ में आ रहा है ये तो बाद में पता चलेगा। इसके अलावा वो ये भी बता रही है कि उन्हें जनता से कितना प्यार मिल रहा है, कितना सारा उनके लिए जो है जनता वोट कर रही है, लगातार प्यार दे रही है उनको, उनके नाम के ट्रेंड्स चल रहे हैं, हाउ मच इज शी लव्ड आउटसाइड। तो यहाँ पर रुबीना दिलैक का कहीं ना कहीं अब इस चीज से तो हौसला बूस्ट होने वाला है कि जनता उनको पसंद कर रही है, उनको प्यार कर रही है, उनको जो है लाइक कर रही है, और वो जिस तरह का गेम खेल रही है वो उसको कंटिन्यू रखे तो जनता उनको और भी ज्यादा पसंद करेगी। ऐसे में क्या ज्योतिका का जाना रुबीना के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, आपको क्या लगता है आज ये कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए, और हमारे साथ जुड़े भी रहिए क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।